मरीन लाइन स्टेशन से बाहर आ गए और भाई जो हवा भी चल रही है ना भाई, एकदम समझ लो भाई एकदम वो मरीन लाइन बीच पर तो आ गए थे, लेकिन इधर देखो भाई आगे जो है ना कंस्ट्रक्शन पूरा चल रहा है, तो इधर तो बंद कर दिया लोग। अभी मुंबई में गणपति विसर्जन हो रहा है, गणपति विसर्जन की वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी इतनी हाई की गई है कि ना ही हम इधर नियर बाई में कहीं कैंपिंग कर सकते हैं और ना ही हम यहाँ पर कहीं रुक सकते हैं। तो अभी हम लोग आ गए मरीन लाइन, और अभी हम लोग मरीन लाइन जा रहे हैं। आपको पता है मुंबई में अगर सबसे फेमस बीच है ना तो जुहू है एंड मरीन लाइन, जहाँ पर सभी लोग आते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर आना है तो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर कौन से स्टेशन पर आपको उतरना है। एक्चुअली इस स्टेशन का नाम मरीन लाइन है और ए टू जेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आप यहाँ पर कैसे आओगे, कहाँ पर उतरना होगा, कौन सा मेन स्टेशन है आसपास में, ए टू जेड आपको बताता हूँ। मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगा कि आपको मरीन लाइन आना है तो कैसे आओगे। आवाज़ आ रही थोड़ा सा, डोंट माइंड। देखो मैं हूँ जो मरीन लाइन स्टेशन, ये देख सकते हो आप, मैं वहाँ पर हूँ। और अगर आपको यहाँ पर आना है मरीन लाइन, तो यहाँ आने के लिए आप या तो अंधेरी से आ सकते हो या फिर चर्च गेट के लिए, चर्च गेट के पास में यही है आपको मरीन लाइन, मरीन लाइन के बाद चर्च गेट पड़ता है। और या फिर दादर आप उतरते हो तो वहाँ से लोकल जो है ट्रेन आप पकड़ना, लोकल ट्रेन पकड़ के आप मरीन लाइन आ सकते हो। या फिर अंधेरी भी अगर आप उतरे हो तो वहाँ से भी लोकल ट्रेन पकड़ के आप यहाँ पर मरीन लाइन आ सकते हो। तो यहाँ पर जो अगर हम बताएं कि भाई मैं आ रहा हूँ अंधेरी से एक स्टेशन उधर से, तो यहाँ तक आने का जो कॉस्ट लगा है वो मात्र 10 रुपीज़ लगा है, 10 रुपये का ही लोकल ट्रेन का टिकट पड़ा है। और अगर ऐसे आप ऑटो वगैरह से आते हो तो वहाँ पर आपको 200-250 रुपये पे करना पड़ता, तो उसमें कोई मज़ा नहीं है। इसलिए मैं अपने इस चैनल पर आपको बताता हूँ कि भाई बहुत ही बजट में अगर आपको ट्रैवल करना है तो कैसे करोगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहो भाई, मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं बीच के किनारे, समुद्र के किनारे, वहाँ पर मस्त एकदम एयर वाई पूरा चल रही होगी क्योंकि मैं पहले भी आ चुका हूँ, और वहाँ पर मज़ा थोड़ा सा करेंगे और वहाँ पर मैं आपको वहाँ की सारी चीज़ें दिखाता हूँ और अपडेट करता हूँ। मरीन लाइन स्टेशन से बाहर आ गए और भाई जो हवा भी चल रही है ना भाई, एकदम समझ लो भाई एकदम ठंडा ठंडा यार, मज़ा आ गया। अभी हमें ऐसी जगह पर कैंपिंग करने को मिल जाए, ये एक फुटबॉल ग्राउंड है मुझे ऐसा लग रहा है, तो ऐसी जगहों पर अगर रात को कैंपिंग करने को मिल जाता है तो ये फील बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और फिर तो पता है कि भाई सामने अगर समुद्र है और उसके आसपास में 100 मीटर के आसपास कैंपिंग लोकेशन मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो चलो डायरेक्ट कैंपिंग लोकेशन ही मरीन ड्राइव पर चलते हैं, वहाँ पर आगे आपको मैं दिखाता हूँ बीच का सीन दिखाता हूँ। तो मरीन लाइन बीच पर तो आ गए थे, लेकिन इधर देखो भाई आगे जो है ना कंस्ट्रक्शन पूरा चल रहा है, तो इधर तो बंद कर दिया लोग पूरा भाई, बंद हो गया है। तो अभी मैं दूसरे रूट से सोच रहा हूँ जाने का, और यहाँ देख रहे हो सब तरफ भाई कंस्ट्रक्शन का ही, मतलब जो भी हो रोड का काम चल रहा है या फिर जो भी वहाँ पर कुछ ना कुछ काम चल रहा है। इस रीजन्स की वजह से हम लोग, मैं बता सकता हूँ वहाँ से मैं डायरेक्ट हम लोग नहीं जा पाए, तो वहाँ से देखते हैं उधर से कोई रूट अगर मिल जाए जहाँ से हम आराम से बैठ के रिलैक्स कर सकें, तो वो रूट मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर एग्जैक्टली मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर चलता हूँ फिर आपको अपडेट देता हूँ। ये देखो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, चारों तरफ से पूरा पैक है भाई, देख रहे हैं रोड के किनारे से इधर से, इसलिए मैं आपको ये देखो समुद्र ही हमारे आगे ही है, पूरा व्हाइट वाला जो दिख रहा है समुद्र ही है, लेकिन आगे का पोर्शन मैं आपको नहीं दिखा सकता, इसलिए मैं थोड़ा सा और आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ से मैं आपको पूरा मतलब अच्छे से थोड़ा दिखा सकूँ। तो आगे चलेंगे और आगे से आपको दिखाता हूँ बीच, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मरीन ड्राइव से भाई वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चला था, तो वहाँ से पैदल आते गए फिर यहाँ पर, अब जो एरिया ये देख रहे हो ना, यहाँ पर भाई चारों तरफ जो है पुलिस वाले लगे हैं। पता है क्यों? क्योंकि अभी मुंबई में गणपति विसर्जन हो रहा है, गणपति विसर्जन की वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी इतनी हाई की गई है कि ना ही हम इधर नियर बाई में कहीं कैंपिंग कर सकते हैं और ना ही हम यहाँ पर कहीं रुक सकते हैं। और यहाँ तक कि एज अ टूरिस्ट, अगर जो टूरिस्ट लोग हैं वो अंदर भी नहीं जा सकते हैं, मतलब कि बीच के अंदर नहीं जा सकते, वहाँ पर बस वही लोग जा सकते हैं जो लोग समझ लो कि गणपति विसर्जन के लिए आए हैं, या फिर कोई जैसे गणपति विसर्जन के लिए कि साथ में अगर आप आए हो, आप लोग की 10 लोग की 15 लोग की अगर टीम है तो सभी लोग आए हो, तो उस कंडीशन में आप अंदर जा सकते हो, अदरवाइज़ आप अंदर नहीं जा सकते हो। तो ये सारा सीन हो गया। तो अभी हम लोग कैंपिंग भी इधर नियर बाई लोकेशन में कहीं नहीं कर सकते हैं क्योंकि अलाउ ही नहीं है। तो अभी आज का हमारा प्लान है कि भाई हम कैंपिंग जो करने वाले हैं ये करेंगे, हम स्टेशन पर चरनी रोड करके स्टेशन एक है चरनी, तो हम वहाँ जाते हैं, यहाँ से आई थिंक 1 या 2 किलोमीटर के आसपास होगा, और खाना वगैरह सब हो गया है, उसके बाद हम वहाँ जाके कैंपिंग करते हैं। फिलहाल हम आज की इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं भाई। ये मेरे लिए एक दुख की बात है कि मैं आपको जो है बीच नहीं दिखा पाया,
लेकिन जुहू बीच या फिर मैं यहाँ पर कई सारे बीच हैं मुंबई में, मैं वो बीच आपको ज़रूर दिखाऊंगा जहाँ पर ऐसे मतलब सिक्योरिटी नहीं होगी, जहाँ पर आप आराम से मतलब मैं सब कुछ एक्सप्लोर आपको कर सकता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पर फिनिश करता हूँ और मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में किसी और नए वीडियो के साथ।